लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक में, तो समथिंग 2020 से स्टॉक में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। स्टॉक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई ट्रेंडेड मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पैसा बनने के चांसेस कम होते हैं, बल्कि फंस जाते हैं। ना ही तो प्रॉफिट होता है, ना ही लॉस होता है। मतलब इसी तरह से बीच में डांस चलता रहता है इस स्टॉक का, तो कुछ खासा बेनिफिट नहीं हो पाता। अगर हम अभी की बात करें, फिलहाल स्टॉक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो फ्रेंड्स स्टॉक में बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न देखने को मिला था, ये वाला। और जिस हिसाब से डब्लू पैटर्न छोटा पैटर्न था, उस हिसाब से स्टॉक को रिटर्न भी दिया था, ठीक है। लेकिन अब एक मौका है नई फ्रेश एंट्री लेने का। वो कहाँ पे है? वो आपको जो इसकी नेकलाइन है, वो नेकलाइन है 1785 रुपए के आसपास, 1798 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एंट्री लेने का मौका मिल सकता है। प्राइस यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो आपको एंट्री लेनी है 1798 यानी कि लगभग 1800 रुपए के आसपास, और स्टॉप लॉस लेकर के चलना है 1790 रुपए का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट आपके लिए समथिंग 1900 रुपए का फर्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट आपके लिए 1980 रुपए के आसपास का हो सकता है। तो स्टॉक पर नजर बना करके रखें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।